कभी कैप्टन चलता है तो कभी वाइस कैप्टन फेल होता है, कभी वाइस कैप्टन चलता है तो कैप्टन फेल होता है, या फिर कभी कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों चल गया तो आपका 11 खिलाड़ी है वो फ्लॉप कर जाता है। तो इससे हम किस तरीका से बच सकते हैं, आखिर हमें किस तरह का टिप्स आजमाना चाहिए या फिर किस टिप्स को हमको फॉलो करना चाहिए, ये सारा कुछ आज आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, और आपको कुछ ऐसा टिप्स मैं बताऊंगा लास्ट में, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो उस टिप्स को देखे बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका 1 लाइक मुझे बहुत सारा मोटिवेशन देता है, और साथ ही साथ आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप इसी तरीका से हमें अपने प्यार देते रहिए ताकि आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो हम बना सके। तो चलते हैं, हम सीधा सीधी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ऑल इन वन कैप्टन वाइस कैप्टन, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं, तो ऑल इन वन कैप्टन वाइस कैप्टन। तो आखिर ऑल इन वन कैप्टन वाइस कैप्टन हम किस लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, वो आगे आपको पता चलेगा, पूरा वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो सीधा सीधे हम लोग चलते हैं, हम अपना मोबाइल स्क्रीन को आपको सामने लेके आते हैं, मोबाइल स्क्रीन आप साइड में देख पा रहे होंगे, हमने ड्रीम इलेवन को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा मैच प्रतिदिन आते रहता है, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि हमें किस मैच में किस तरीका से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहिए। अगर आप जीएल खेल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जीएल के लिए ही ये वीडियो स्पेशल है, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीका से कैप्टन वाइस कैप्टन चुनना है, और किस तरीका से जीएल विन करने का टिप्स एंड ट्रिक्स है, और कौन सा तरीका हमें आजमाना चाहिए। तो आपको हम बताते हैं, सबसे पहले आपने गौर किया होगा कि ड्रीम इलेवन पर जब आप टीम बनाते हैं तो देखिएगा कि जिस खिलाड़ी को आपने अपने टीम से ड्रॉप करते हैं वही खिलाड़ी चल जाता है, या फिर आप ऐसा देख रहे होंगे कि जब आप टीम बनाते हैं तो टॉस अपडेट आने के बाद तो आपको समझ में नहीं आता है कि आपको किस प्लेयर को अपने टीम में रखना है, किसको ड्रॉप करना है, लेकिन वही टीम अगर आप 2-4 घंटे पहले बनाते हैं तो उससे आपको बहुत सारा मतलब कि रिमाइंड हो करके आपको टीम बनाने पर हेल्प मिल जाता है, और बारीकी से खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस आपको समझने में अच्छा टाइम लग जाता है, समझ में आता है। दूसरा बात है कि आप किसी भी बॉलर या फिर ग्राउंड का स्टेट्स निकाल सकते हैं फ्री माइंड हो करके। अब मान के चलिए आप एक बार में 10 टीम या 20 टीम लगा रहे हैं ड्रीम इलेवन में, तो टॉस अपडेट आने के बाद कुछ ऐसा प्लेयर होता है जो कि लाइनअप में नहीं होता है, तो उस समय आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम इस खिलाड़ी को हटाने के बाद हम किसे अपने टीम में लें। ठीक है, तो उस चीज से आपको बचना है, उसके लिए आपको क्या करना है वो आप वीडियो देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, आपको टोटल जानकारी मिलने वाला इस वीडियो में। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, और आपको हम बताते हैं ऑल इन वन कैप्टन वाइस कैप्टन इन ड्रीम इलेवन। ठीक है, तो ड्रीम इलेवन में अगर आप 10 टीम 20 टीम बना रहे हैं तो आपको उतना पैसा इन्वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, आप कोशिश कीजिए कि 5 से 6 टीम ही लगाइए। ठीक है, उससे होगा कि आपका जो शेष अमाउंट बचेगा वो बैकअप मैच के लिए होगा, क्योंकि ग्रैंड लीग जीतता तो पर डे हर कोई ना कोई है। ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप ही जीत जाइएगा, ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपका लक का भी उतना ही साथ होना चाहिए, साथ ही साथ स्किल का भी साथ होना चाहिए, और आप अपना किस टीम मतलब किस एप्लीकेशन में कैसे यूज करते हैं अपना स्ट्रेटेजी को, उसको इस्तेमाल करने आना चाहिए। तो ये चीज आपको समझ में आएगा सारा कुछ देखने के बाद। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं कि हम लोग जैसे मान के चलिए 6 टीम हम लोग क्रिएट करते हैं, तो 6 टीम कैसे क्रिएट करना वो चीज पहले समझेंगे। तो फर्स्ट टीम हम लोग क्रिएट करेंगे, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो इस वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए किसी भी रेंडमली एक मैच को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे पाकिस्तान T20 कप का मैच चल रहा है या फिर वुमेन्स बिग बैश का मैच चल रहा है, तो चलिए वुमेन्स बिग बैश का मैच को हम लोग ले लेते हैं।
अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्रिएट टीम पे क्लिक करना होगा। क्रिएट टीम पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको चार सेक्शन देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट है विकेट कीपर सेक्शन, उसके बाद है बैट्समैन सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन और फिर बॉलर सेक्शन। अब इन चारों सेक्शन से ही हमें 11 प्लेयर चूज करना होता है, ठीक है। तो कैसे चूज करना है वो चीज समझेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल 6 टीम बनाएंगे, 5 या 6 टीम, आपका जो सुविधा लगे, लेकिन मिनिमम 5 से 6 टीम बनाइए, ठीक है। मैक्सिमम अगर बनाना चाहते हैं, आपके पास बजट ज्यादा है, तो 10 टीम बनाइए ना, 20 टीम बनाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जिस दिन लक साथ देगा तो आप एक टीम से भी मैच को जीत सकते हैं, ड्रीम इलेवन मेगा जीएल को विन कर सकते हैं। अगर आपका लक नहीं रहे तो आप 50 टीम, 100 टीम, 1000 टीम उतार दीजिए, नहीं जीत पाइएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक आपको टीम बनाना है, कौन सा टीम, कॉमन टीम। तो कॉमन टीम कैसे बनता है वो चीज समझ लीजिए। तो जैसे सबसे पहले हम उस खिलाड़ी को अपने टीम में रखेंगे जिसका सिलेक्शन परसेंटेज ज्यादा है। तो जैसे मैं आपको हम बता देते हैं, पहले आपको 80 से प्लस वाला जो भी प्लेयर आपको मिलता है उसको अपने टीम में ले लीजिएगा। तो चलिए हम ले लेते हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन में 80 प्लस नहीं है, आ जाइए जी हैरिस, और आपका कोई नहीं है। ऑलराउंडर सेक्शन से देख लेते हैं, 2 मिल गया है। बॉलिंग सेक्शन से देख लेते हैं, बॉलिंग सेक्शन से 1 ही है। तो मिला करके आपको 4 टोटल 80 प्लस परसेंटेज वाला खिलाड़ी आपको 4 टोटल मिल गया है। अब क्या करना है कि 70 से 80 के बीच में जो खिलाड़ी है उसको आपको ले लेना है। तो 70 प्लस खिलाड़ी कौन है, एक ये है और आपको दिखा देते हैं, एक है। ऑलराउंडर सेक्शन से देख लेते हैं, तो ऑलराउंडर सेक्शन में भी नहीं है। बॉलिंग सेक्शन से देख लेते हैं, एक है, और उसके बाद दूसरा है वेलिंगटन। तो कुल इस तरीका से आपके पास टोटल कितना हो जाता है, 7 प्लेयर हो जाता है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो टोटल कितना प्लेयर हो जाता है, 7 प्लेयर, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपके पास 4 होता है और आपका अपोनेंट जो टीम है उसके तरफ से आपका हो जाता है 3 प्लेयर। तो आपका देख सकते हैं, सॉरी ऑस्ट्रेलिया बता दिया हमने, वीवीएस का मैच है, तो एएस और बीएस का मैच है, तो दोनों टीमों से 4-3 का कॉम्बिनेशन आपका बन गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें लेना है कितना, 60 से लेकर के 70 का, ठीक है। तो 60 से 70 हम लोग देख लेते हैं, तो 66, उसके बाद आ जाइए आप 65, 63, उसके बाद और एक प्लेयर 68। तो इस तरीका से आपका ये टीम जो तैयार हो जाता है, कॉमन तैयार हो जाता है, क्योंकि जितना भी लोग टीम बनाएंगे सभी के टीम में आपको ये जितने भी खिलाड़ी हैं सभी खिलाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जितना खिलाड़ी आप देख रहे हैं सभी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो एक आपने कॉमन टीम बना लिया, इससे क्या हुआ कि अगर आपका अपोनेंट वाला सभी खिलाड़ी को रखा हुआ रहेगा तो आपके टीम में भी रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहीं पे दिमाग चलाना है कि आपको और टीम बनाना है तो अपने अपोनेंट को किस तरह से मात दीजिएगा। तो पहले हम इसको सेव कर देते हैं, उसके बाद लास्ट में मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन किस तरीका से चुनना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले हम रेंडमली कैसे एक को हम ऐसे सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एक टीम हमारा बन करके रेडी हो गया है। अब हम लोग चलेंगे सेकंड टीम की तरफ। तो सेकंड टीम की तरफ टीम बनाने से पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट टीम को ओपन कर लेना है। उसके बाद इस जगह पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए कॉपी का आइकन है, जिसको हम लोग क्लोन भी कर सकते हैं, है ना। तो क्लोन कर लेंगे, तो चलिए हम उस पर क्लिक करते हैं, तो इस टीम का कॉपी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसमें से कुछ खिलाड़ी को आपको ड्रॉप करना है, कुछ को लेना भी है। तो जैसे मैं सपोज करते हैं कि मान के चलते हैं विकेट कीपर सेक्शन से इसको हम ए पेटरसन को ड्रॉप करते हैं, उसके जगह पे
एक बैट्समैन ले लेते हैं ए मैक, ठीक है, के मैक को, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हम सेव करते हैं रेंडमली, हम किस तरह मतलब सेव कर देते हैं इसमें, कैप्टन वाइस कैप्टन तो बाद में आपको बताएंगे। ये आपका दूसरा टीम तैयार हो गया। अब फिर से हम टीम को कॉपी करेंगे तो कहाँ जाना है, इस जगह पे जाना है, देख लीजिए कॉपी वाले आइकन पे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद फिर से क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए जिस प्लेयर को हमने अपने टीम में रखा था, अब इसको ड्रॉप करके इसको लेंगे और इस जगह पे अगला कोई ऐसा प्लेयर होगा, इसको ड्रॉप करके इसको हम ले सकते हैं, ठीक है। या फिर देखिए इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी कम है, ठीक है, तो आपको इसको ले लिए। अब यहाँ से आप सेव कर दीजिए, आप इसको सेव कर देते हैं रेंडमली, किसी भी हम कैप्टन वाइस कैप्टन को बना रहे हैं, आपको लास्ट में बताएंगे। तो इस तरीका से हमारा तीन टीम पूरा हो जाता है, फिर चौथा टीम उसी तरह हमें कॉपी करके बनाना होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले इस जगह पे एम डुप्लेसी जो है इनको हम ड्रॉप करते हैं, इनके जगह पे आप चाहें तो ऑलराउंडर सेक्शन से ले सकते हैं, इनको ले लिया। उसके बाद एक किसी बॉलर को ड्रॉप करके, मान के चलिए वेलिंगटन है या एम स्कॉट है, उनको ड्रॉप कर, किसी को भी एक ड्रॉप करके आप नीचे वाले बॉलर को ले लिए, इससे हो गया कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। अब यहाँ कैप्टन वाइस कैप्टन का बात करें तो सेफ रहेगा, पहले मैंने आपको बता दिया कैप्टन वाइस कैप्टन, लास्ट में आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से कितना टाइम हुआ, 1 2 3 4 टीम बन गया, पांचवा टीम हम लोग देख लेते हैं। तो पांचवा टीम में आपको क्या करना है, फिर से अगला टीम में इसको ड्रॉप करना है जिसको लिए हैं, उसके बाद ड्रॉप करने के बाद आ जाएंगे फिर से यहाँ, देखिए ऑलराउंडर सेक्शन से अमेलिया केयर को ड्रॉप करना है क्योंकि सभी लोग उसके साथ जाएंगे, ये हो गया। अब यहाँ से चाहें तो ऑलराउंडर सेक्शन से यहाँ क्लियर हो गया, बॉलिंग सेक्शन से भी हो गया। इस तरीका से आपका ये पांचवा टीम क्रिएट होता है। कैप्टन वाइस कैप्टन का बात कर ले तो रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर रहे हैं। अब आके आप देखते हैं कितना हो गया, 1 2 5 टीम हो गया, छठा टीम हम लोग बनाते हैं। तो छठा टीम बनाने के लिए आपको फिर से वही फॉर्मूला आजमाना होगा, मान के चलिए इसमें से हम जिसको भी लिए हैं इसको ड्रॉप करेंगे बॉलिंग सेक्शन से, बॉलिंग सेक्शन से एक हम किसी को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, एम स्कॉट को ले सकते हैं, उसके बाद जी हैरिस को अपने टीम में रख लेंगे, उसके बाद डुप्रेजी को रख लेंगे। अब यहाँ से इसको कॉम्बिनेशन को हम फिर से सेव कर देते हैं, ठीक है, सेव करने के बाद ये क्लियर हो गया। यहाँ से 6 टीम तो आपका बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना है क्या, कैप्टन वाइस कैप्टन। तो कैप्टन वाइस कैप्टन मैं आपको बता दूं कि कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के लिए आपको पहले इस चीज को कंफर्म होना होगा कि आज वो कौन सा दो प्लेयर है जो आपके लिए ड्रीम 11 टीम का हिस्सा होंगे और सबसे ज्यादा पॉइंट देंगे। आप अपने आप से पूछिएगा कि आज कौन सा प्लेयर है जो अच्छा खासा पॉइंट देगा, ड्रीम 11 में रन मारेगा, ठीक है। तो वो चीज आपको खुद से डिपेंड करना, मतलब सोचना है कि आखिर कौन सा खिलाड़ी, जैसे मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूं। जैसे मान के चलिए अब यहाँ पे है टीम मैकग्राथ है, या फिर जी रेडिमेनी जे है, उसके बाद अमेलिया केयर है, तो आपको ये तय करना होगा कि मैकग्राथ और अमेलिया केयर ही ड्रीम टीम का हिस्सा होंगे कैप्टन वाइस कैप्टन में, आपको ये चीज कंफर्म करना होगा। अगर ये चीज आप कंफर्म कर लेते हैं तो मेरा एक दावा है कि आपको ग्रैंड लीग जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। लेकिन आपको कैप्टन वाइस कैप्टन कंफर्म करना होगा कि आज का दिन जो है, मान के चलिए मैग्राथ का ही है और अमेलिया केयर है, दोनों ही 100+ पॉइंट देंगे, तो आप आग बंद करके इन दोनों को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन
चुन लेना है, 6 का 6 टीमें, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैप्टन वाइस कैप्टन ऑल इन वन इन ड्रीम इलेवन, मतलब कि कैप्टन वाइस कैप्टन आपको खुद से सेलेक्ट करना होगा, और आपको ये चीज कंफर्म हो जाना है कि आज का डेट जो है, आज का दिन जो है, एमेलिया केयर का है या फिर टीम मैकग्रा का है। तो ये दोनों ही कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे। जिस दिन आपका ये ट्रिक काम कर गया, मतलब कि जिस दिन आपका कॉम्बिनेशन सही बैठ गया, उस दिन जीएल आपका होने वाला है। तो उसी तरीका से आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बारीक बारीक से सभी टीमों में सेम बना देना है। कैप्टन वाइस कैप्टन सेम रहेगा, ठीक है। अगर देखिए, इसमें रिस्क ये है कि अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन फ्लॉप होगा तो आप नहीं जीत पाइएगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन आपका कैप्टन वाइस कैप्टन चल गया, तो मान के चलिए एक टीम फ्लॉप होगा, दो टीम फ्लॉप होगा, कोई ना कोई एक टीम तो रन करेगा मेरा। और अगर एक टीम भी आपका रन कर गया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका ड्रीम इलेवन में 2 करोड़ का लीग जीतने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।